स्कूल में पढ़े हैं? कंफ्यूजन देखेंगे हम क्या है ये. आई गेस द मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक होगा ये इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन. पंक्चुएशन किसको कहते हैं? पंक्चुएशन मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो आपको कहाँ पे कैपिटल लेटर लेने हैं, कहाँ पे स्मॉल लेटर्स लेने हैं, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कॉमास, कहाँ कोटेशंस लगाने हैं. ठीक है, नाउ वी हैव टू नो सम रूल्स ऑफ पंक्चुएशन. पंक्चुएशन के क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं. हर सेंटेंस, एवरी सेंटेंस, जो कोई भी नया सेंटेंस आप स्टार्ट करते हैं, एवरी सेंटेंस स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर, विथ अ कैपिटल लेटर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई नया सेंटेंस आप ऐसे लिख रहे हैं, या अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं, वेन एवर आफ्टर द फुल स्टॉप या आफ्टर द क्वेश्चन मार्क, कहीं पर भी आप एक नया सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, नया सेंटेंस लिख रहे हैं, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, उसका फर्स्ट लेटर जो भी होगा, दैट विल बी अ कैपिटल वन. वो आप क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे. हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा. सेकेंड रूल विल बी, जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे, जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे, एंड हमारे पास एक प्रोनाउन है, हमारे पास कौन सा एक प्रोनाउन है? विच इज आई. क्योंकि सब में मैपन बहुत ज्यादा है, मैं बड़ा, सब में क्या है? आई, मी, माई सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट है. सो उससे हम ध्यान रखेंगे कि आई हमेशा कैपिटल होता है, आई हमेशा बड़ा होता है, मैं हमेशा बड़ा होता है. आप कहीं पर भी इन द मिडल, ये अगर स्टार्ट में हो, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस हो, या एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हो, आई कहीं पर भी आएगा, इट विल बी अ कैपिटल. अंडरस्टूड? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोनाउन आई. ठीक है, हम प्रोनाउन आई, जिसका मतलब होता है मैं, की बात कर रहे हैं. आइसक्रीम वाला आई या इग्लू वाले आई की बात नहीं कर रहे हैं. दे कैन बी स्मॉल और कैपिटल. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टार्ट, वो स्टार्ट में आ रहे हैं, एंड में आ रहे हैं, मिडल में आ रहे हैं, वो अलग बात है. बट हम प्रोनाउन आई की बात करें, प्रोनाउन आई जहां पे भी आएगा कैपिटल आएगा. एंड एवरी प्रॉपर नाउन, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है, किसी का नाम है सना, किसी का नाम है शोएब, द स्टार्टिंग विल बी कैपिटल, सना का एस विल बी कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है शाहिद, द स्टार्टिंग लेटर, द फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल. उस प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा. एम आई क्लियर? ओके, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दी असर्टिव, ऑल दी असर्टिव और इम्पेरेटिव, ऑल दी असर्टिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. जितने भी असर्टिव या इम्पेरेटिव सेंटेंस है, विल एंड, विल एंड विथ, एंड विथ फुल स्टॉप. किस पे खत्म होंगे ये? फुल स्टॉप पे. ये जो डॉट देते हैं ना एंड पे, हम दैट इज द फुल स्टॉप. ओके, जितने भी असर्टिव या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, those all the sentences will ends with full stop. अब ये असर्टिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, हम ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में देखेंगे. तो अभी के लिए याद रखना है, असर्टिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किस पे खत्म होंगे? हमारे फुल स्टॉप पे. नाउ द फोर्थ रूल, जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, कौन से सेंटेंस? इंटरोगेटिव. जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो किस पे एंड होते हैं? क्वेश्चन मार्क. इंटेरोगेट करना ही मतलब होता है, टू इंटेरोगेट मीन्स टू आस्क, टू इंक्वायर, किसी की कोई चीज पूछना, किसी चीज की इंक्वायरी करना ही इंटेरोगेट कहते हैं. उसी से बना है सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस खत्म होते हैं फुल स्टॉप पे. ओके, सो दीज आर फ्यू रूल्स ऑफ पंक्चुएशन. नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज पंक्चुएशन मार्क. हमने तो पंक्चुएशन के कुछ रूल्स देख लिए. अब पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स आर नथिंग बट द क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये जो कॉमा हम दे रहे हैं यहाँ पे, कॉमा,
quotation marks या apostrophe. Okay? ये जो question mark, ये exclamatory mark, full stop, comma, apostrophe होते हैं या quotation marks होते हैं, इनको कहते हैं punctuation mark. इसको individually question mark कहेंगे, ठीक है? इसको individually full stop कहेंगे, इसको individually comma कहेंगे, लेकिन all together इन सबको एक साथ क्या कहेंगे हम? पंक्चुएशन मार्क. इसको क्या कहते हैं? पंक्चुएशन मार्क. पंक्चुएशन मार्क का यूज क्यों किया जाता है? टू एक्सप्लेन और टू मेक द अदर वन अंडरस्टैंड व्हाट इज योर फीलिंग. आप क्या कहना चाह रहे हैं? टू मेक द मीनिंग क्लियर. आपका मीनिंग क्या है उसको क्लियर करने के लिए हमें पंक्चुएशन मार्क्स यूज करते हैं. ओनली इन द राइटिंग पर्पज. ओके, कभी किसी को सुना है क्या व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क ऐसा पूछते हुए? कभी किसी टीचर ने या किसी फ्रेंड ने आपको ऐसा पूछा है क्या? हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क. आपने जवाब दिया आई एम गुड फुल स्टॉप. हम ओरली ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं करते. हम जब बात करते हैं हमारे बात करने के अंदाज से, हमारे बात करने के लहजे से, द वे वी एक्सप्रेस, वो हमारी फीलिंग से सामने वाले को समझ में आ जाता है. वेन वी आर टॉकिंग ओरली, हम जब बात कर रहे होते हैं तब की बात है. ठीक है, हम बात करने में ऐसे नहीं बोलते ना कि मैं तो हैदराबाद जाने वाली हूँ कौमा, क्या तुम भी मेरे साथ आने वाली हो क्वेश्चन मार्क, ऐसे तो नहीं बात करते हम. क्योंकि हमारी बात के अंदाज से हमारा जो भी बातों का जो वे ऑफ टॉकिंग है दैट इंडिकेट्स व्हाट वी वांट टू आस्क और व्हाट वी वांट टू कन्वे टू द अदर पर्सन. ठीक है, लेकिन हम जब लिख रहे हैं इन द टाइम ऑफ राइटिंग, एट द टाइम ऑफ राइटिंग, लिखते टाइम पर वी नीड दीज काइंड ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, ताकि सामने वाले को, अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी को लेटर लिख रहे हैं तो उसको कैसे समझ में आएगा कि आप सवाल कर रहे हैं या आप एक्सक्लेमेटरी कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, आप किसी सडन शॉक में या सडन हैप्पीनेस में हैं, या आपका सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया है, या इतना बोलने के बाद आप कॉमा लगा के और कैरी ऑन करने वाले हैं, या आप किसी और की बात उसको बता रहे हैं तो आप वहाँ पे कोटेशन मार्क का यूज कर रहे हैं, कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, आप किसी सडन शॉक में या सडन हैप्पीनेस में हैं, या आपका सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया है, या इतना बोलने के बाद आप कॉमा लगा के और कैरी ऑन करने वाले हैं, या आप किसी और की बात उसको बता रहे हैं तो आप वहाँ पे कोटेशन मार्क का यूज कर रहे हैं. ओके, सो दीज आर द पंक्चुएशन मार्क्स जो अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं. क्वेश्चन मार्क्स तो बहुत ईजी है, हमें पता है जहाँ सवाल करते हैं क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क आते हैं. इम्पेरेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव में हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे. जहां हम बात को पॉज करके आगे और बोलने वाले होते हैं वहां हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द अपोस्ट्रोफे एंड द कोटेशन मार्क्स. ओके, तो हम देखेंगे नंबर वन हमारे पास में है अपोस्ट्रोफे. क्या है हमारे पास में नंबर वन? अपोस्ट्रोफे. आपने देखा होगा जैसे कि हम कभी लिखते हैं नीचे जैसा कॉमा आता है वैसा ऊपर भी कभी कॉमा आता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अपोस्ट्रोफे. क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं हम इसे? एपोस्ट्रोफ. ठीक है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि सिर्फ एपोस्ट्रोफे एस ही होता है. इसका नाम एपोस्ट्रोफे एस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक एपोस्ट्रोफे है और यहाँ पे एस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एपोस्ट्रोफे एस. ओके, इस साइन को हम एपोस्ट्रोफे कहते हैं, इस साइन को हम एपोस्ट्रोफे कहते हैं. ये जो एपोस्ट्रोफे है ये दो कंडीशंस पे इस्तेमाल होता है. ये कितनी कंडीशंस पे इस्तेमाल होता है? दो कंडीशन पे. नंबर वन, नंबर टू. नंबर वन है पोजेशन. नंबर वन क्या है? पोजेशन. नंबर वन इज पोजेशन, नंबर टू इज ओमिशन. नाउ व्हाट इज पोजेशन एंड व्हाट इज ओमिशन? नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द पोजेशन एंड व्हाट इज द ओमिशन. पोजेशन किसे कहते हैं एंड ओमिशन किसे कहते हैं? एपोस्ट्रोफी दो जगह इस्तेमाल होगा, मेक इट क्लियर. पोजीशन बताने के लिए, किसी चीज की मिल्कियत बताने के लिए. पोजीशन मतलब क्या होता है? मिल्कियत. ये चीज किसकी है, ये किसके पोजीशन में है, ये किसकी मिल्कियत में है बताने के लिए. या किसी लेटर्स के ओमिशन, ओमिशन यानी डिलीट, ओमिशन यानी ओमिट कर देना, छोड़ देना. ठीक है, पोजीशन. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक पेन है लेकिन वो पेन मेरी नहीं है, वो मेरी एक फ्रेंड जोहा की है. फॉर एग्जाम्पल That pen is, वो पेन किसकी है? जोहा की है. तो वो पेन है जोहा की, तो जोहा पेन आ गया, लेकिन जोहा की है, जोहा की मिल्कियत है, तो आई राइट एपोस्ट्रोफे एस, जोहाज पेन. ठीक
ठीक है, जाकिर्स बुक, ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये पेन किसकी है? जोहा की है। ये बुक किसका है? जाकिर का है। दिस इज शोइंग द पोजिशन। ये जो एपोस्ट्रोफी है ये क्या कर रहे हैं आपको यहाँ पे? पोजिशन बता रहा है। पोजिशन मतलब मिल्कियत, किसकी मिल्कियत है ये चीज, किसके हक की है, किसकी है। ओके, तो सबसे पहले एपोस्ट्रोफी क्या बताता है आपको? पोजिशन बताता है। नेक्स्ट इज ओमिशन। ओमिशन क्या होता है? नाउ लेट्स सी द सेकेंड कंडीशन जहां पे हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। एपोस्ट्रोफी कब यूज होगा हमारे? ओमिशन के लिए। ओमिशन मतलब ओमिट करना। ओमिट मतलब किसी चीज को कट कर देना, डिलीट कर देना। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा इट इज, इट इज को क्या लिख सकते हैं हम? इट्स। क्या लिख सकते हैं? इट्स। लेकिन ये ऐसे ही इट्स आएगा क्या? नहीं आएगा। ये एस से पहले यहाँ क्या आएगा? कॉमा। ठीक है, ये जो कॉमा है अगर ये नीचे आता है तो उसको कॉमा कहेंगे, और यही कॉमा जब ऊपर जो आपको कॉमा के जैसा दिख रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज एपोस्ट्रोफी। इट्स, इट को क्या कर दिया हमने? एक शॉर्ट फॉर्म कर दिया उसका। इट इस को कर दिया हमने इट्स। यहां से हमने क्या कर दिया? इस वाले आय को ओमिट कर दिया, इस वाले आय को ओमिट कर दिया। ये इट प्लस इज मिलके बन गया इट्स। तो यहाँ पे आई भी है, टी भी है, एस भी है, तो यहाँ से ओमिट क्या हो गया? कैंसिल क्या हो गया? कट क्या हो गया? आई। तो दिस इज कॉल्ड एज ओमिशन। दिस इज कॉल्ड एज ओमिशन। अब फॉर एग्जाम्पल ही इज, ही इज, हम इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे? ही इज। ठीक है, यहां से हम इस आय को ओमिट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, कैंसिल करके हम यहाँ क्या लगा रहे हैं? हमारा एपोस्ट्रोफी। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एपोस्ट्रोफी। ओके, ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क मतलब क्या होता है? व्हेन वी वांट टू एक्सप्लेन और व्हेन वी वांट टू टेल समवन एल्स, किसी और ने आपको क्या कहा उनके एग्जैक्ट वर्ड जब आप पुट अप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, कॉलेज में कोई प्रोग्राम होता है, हम घर पे आके क्या बोलते हैं? टीचर ने कहा है अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 100 रुपीज लेकर आना। ये आपने क्या किया? टीचर के एग्जैक्ट वर्ड क्या कर दिए? कोट कर दिए। आपने एग्जैक्ट वर्ड क्या कर दिए? कोट कर दिए। किसी की बोली हुई बात को एग्जैक्टली सेम वे में प्रेजेंट करना, और व्हेन वी राइट द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय समवन एल्स अदर पर्सन, दैट टाइम वी यूज कोटेशन मार्क। अगर हमको बोलना है कि हमारी टीचर ने हमसे क्या कहा या हमारे किसी भी फ्रेंड ने हमसे क्या कहा, कैन आई गेट योर नंबर, यहां पे आएगा क्या? आएगी यहां पे क्या? आएगा यहां पे कोटेशन मार्क्स। कैन आई गेट योर नंबर, शी आस्क्ड। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे? शी आस्क। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या आया है? क्वेश्चन मार्क। कैन आई गेट यू नंबर, वाई वी आर राइटिंग दिस? बिकॉज यहाँ पे क्या आया है? क्वेश्चन मार्क। एंड एवरी टाइम रिमेम्बर, जब आपका कोटेशन मार्क यहाँ कंप्लीट होगा, ऊपर जब यहाँ इस तरीके से आप दो कॉमा देके या एक कॉमा देकर जब आप कोटेशन मार्क कंप्लीट करेंगे, उसके जस्ट नीचे एक कॉमा आएगा। ओके, उसके जस्ट नीचे क्या आएगा? एक कॉमा आएगा। ओके, कैन आई गेट योर नंबर, शी आस्क। उसने पूछा, किसने पूछा? किसी और ने आपसे पूछा, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स आपने बता दिए कि कैन आई गेट योर नंबर। अब यहाँ पे आप थोड़ा पंक्चुएशन भी देखिए। फर्स्ट आपका सेंटेंस जहां से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लेटर है, कैपिटल है, आई, प्रोनाउन आई है, कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे। यहाँ पे कॉमा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे शी का एस जो है वो स्मॉल आया है। अगर यहाँ फुल स्टॉप होता तो यहाँ पे एस कैपिटल हो जाता। सो व्हाट इज कोटेशन मार्क? कोटेशन स्मॉल आया है। अगर यहाँ फुल स्टॉप होता तो यहाँ पे एस कैपिटल हो जाता। सो व्हाट इज कोटेशन मार्क? कोटेशन मार्क इज व्हेन यू एग्जैक्टली राइट समवन एल्स वर्ड। आप जब किसी और के वर्ड्स एग्जैक्टली कोट करते हैं, उसकी बोली हुई बात को एग्जैक्टली सेम टू सेम आकर बोलते हैं, उसको लिखते हैं, तब आप क्या करते हैं? कोटेशन मार्क। ओरली बोलने पे नहीं बोलेंगे आप। घर पैनिक बाजार से पूछते हैं क्या? मम्मा टीचर ने कहा, कॉमा, कोटेशन मार्क। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है 100 रुपीज देना पड़ेगा, फुल स्टॉप, कोटेशन मार्क कंप्लीट।
घर पे आके ऐसे बात करेंगे क्या? नहीं, ओरली नहीं बात कर रहे हैं. वी आर सेइंग कि व्हेन वी वांट टू राइट, व्हेन वी वांट टू राइट द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय अदर पर्सन, दैट टाइम वी यूज कोटेशन मार्क. जब हम कभी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? किसी और के बोले हुए शब्द, किसी और के बोले हुए अल्फाज, उस टाइम पे वी राइट द कोटेशन मार्क. जितना उसका सेंटेंस बोला हुआ है वहां पे हम कोटेशन मार्क इस्तेमाल करेंगे, और जहां हम बोल रहे हैं वो कोटेशन मार्क में नहीं आएगा. आर वी क्लियर? तो ये था पंक्चुएशन मार्क्स. बेसिकली जो फुल स्टॉप, कॉमा एंड क्वेश्चन मार्क्स है, ये हम सभी को पता है. दो ऐसे थे जो हमें थोड़े और ज्यादा पता होने चाहिए, दैट्स व्हाई, दैट इज द रीजन हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया. इसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है?